प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान्य तथा सुख भोग कर अंत में सत्य लोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यप्रद कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से सद अद्भुत फल प्राप्त होता है। सत्य व्रत को अपनाने वाले दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंत समय में सत्य लोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण जय 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 राम अरविंद अवधूत सिंधुरस्ती भगवान जय गायत्री माता की जय। हर मनुष्य को चाहिए कि अपनी कमाई का दशांश समाज के कार्य में, दान के कार्य में, धार्मिक कार्य में